आज मेरा अटायर देख के समझ में आएगा कि आज ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं होने वाला है। बेसिकली एक ब्रेकफास्ट राइड के लिए जा रहा हूँ मैं, और ये नियर बाई करजत है, और हम जा रहे हैं मॉर्बे डैम। मुझे पता नहीं उधर परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट उधर जाके अभी समझेगा कि पर अलाउड है या अंदर या बाहर से देख सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि मोस्टली डैम में कोई परमिशन इतना इजीली देता नहीं है। ये है अराउंड 54 किलोमीटर्स मेरे घर से, मतलब चेंबूर से। आज सैटरडे है तो होपफुली ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। चलो आगे जल्दी जाते हैं ट्रैफिक चालू होने से पहले। ऑलरेडी लेट हो चुका है, 7:15 हो गया है मॉर्निंग का, तो फटाफट भागते हैं ऐसे। ये रास्ते का पहला टोल वाशी, बस यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 45 किलोमीटर्स ही है और अराउंड 1 आवर लगेगा। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, अभी सिर्फ हाफ एन आवर ही है। और यहाँ से अगर स्ट्रेट जाएंगे, ये रोड पकड़ के अगर स्ट्रेट जाएंगे तो सीधा लोनावाला। यहाँ से लेफ्ट लेंगे अब पनवेल बाईपास रोड। यहाँ से एग्जैक्टली 29 मिनट्स। यहाँ पे भी एक टोल है, शेडुंग टोल, वो था शेलदुंग टोल, और वहाँ पे 53 रुपीज़ कटा। 5 मिनट नहीं हुआ क्रॉस करके और इधर और एक टोल नाका आ गया। ये लेफ्ट ले लिया है मोरबी डैम रोड की तरफ, रास्ता थोड़ा कच्चा है। सामने दिख रहा है मुझे डैम, सही है। आगे देखते एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये देखो सही लग रहा है यार, जिसका डर था वही हो गया। अभी यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये लोग बोल रहे थे कि अगर सुबह जल्दी आए तो अलाउ करते हैं, वो भी कुछ कुछ लोगों को, सबको अलाउ नहीं करते। और वीकेंड पे पुलिस का राउंड होता है तो वो लोग किसी को अलाउ ही नहीं करते। और एक जगह बोला है लोग ने कि आगे जाके एक लेफ्ट मार सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा व्यू मिल सकता है, तो वही देखने अभी जा रहा हूँ मैं। होपफुली कुछ कुछ तो देखने मिलेगा, इतना जल्दी उठ के निकले ब्रेकफास्ट पे, ब्रेकफास्ट राइड के लिए, तो देखते हैं। एक बाबा डेयरी आता है, वहाँ से लेफ्ट लेना है और ये और एक लेफ्ट लेना है इधर, ठीक है, अतरा फार्म, वहाँ से और एक लेफ्ट। और इधर लोकल्स ने बोला कि डैम दिखता है, होपफुली डैम दिखना चाहिए, नहीं तो डैम इट। यहाँ पे पार्क किया है और इधर तो ऐसा कच्चा रास्ता ही है, देखते हैं आगे कुछ व्यू मिलता है। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्किंग का जो लोकेशन है वो भी भेज दूंगा। ऐसा लगता है पूरा पानी सूख गया, एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ तक पानी आता है पूरा, और पर उसके लिए ऑब्वियसली बारिश के टाइम ही आना पड़ेगा। ऐसा समर में आया तो पूरा ड्राई मिलेगा, बट स्टिल है थोड़ा पानी, आगे जाके देखते हैं कितना है। दिखने में तो सही लग रहा है, एकदम वाइड है ना लैंडस्केप, इतना मस्त हवा चल रहा है इधर, मस्त लग रहा है यार ये हो रहा डैम। अनफॉर्चुनेटली उधर तो अलाउड नहीं है, पानी के साइड से ही जाते हैं, थोड़ा मस्त लग रहा है। Storms and summer skies. There was a
गाड़ी लेके आ सकते हैं, बट वही रास्ता किधर है वो नहीं पता मुझे, तो अभी तो फिलहाल वॉक ही करके जा रहा हूँ मैं। और इतना सही है यार ये, बट सीरियसली बहुत शान जगह है ये, समर में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो रेनी सीजन में तो नो डाउट अल्टीमेट लगता होगा ये। सिर्फ हवा का आवाज है और कुछ भी नहीं। ये ब्यूटीफुल व्यू के बाद ये क्या यार, क्यों इतना कचरा करते हो इधर, इतना मस्त जगह है। वहाँ पे एक मंदिर है, बहुत नज़दीक है, मतलब बाय रोड तो बहुत नज़दीक है, अराउंड 200 मीटर्स कुछ रहेगा। बट आज मेरा अटायर ही ऐसा है, शॉर्ट्स पहन के मुझे मन भी नहीं करता मंदिर जाने के लिए। ये इसके बाद सडनली एकदम क्रिकेट ग्राउंड आया वैसे लग रहा है ना, इतना पूरा ग्रीन है इधर, ग्रास सही है। वो शायद डैम का जो डैम के लिए जो रास्ता है वो है। ये जो आगे जाके है मॉर्बे डैम, पूरा नवी मुंबई को पानी यहाँ से ही आता है ऐसा सुना है मैं, सो ऑब्वियसली क्वाइट बड़ा होगा वो, बट अनफॉर्चुनेटली देखने मिला नहीं, ऑब्वियसली अलाउ नहीं करेंगे तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट यहाँ पे आने मिला वही बहुत बड़ी बात है। यार सही है, देखो मस्त एकदम। चलो अभी वाइंड अप करते हैं यहाँ से, अभी 10 बज गए और देखते हैं कोई ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट के लिए कुछ है क्या यहाँ पे, पूछते हैं लोकल से कि कहाँ पे अच्छा मिलेगा खाने के लिए। मैं सीरियसली पसीना पसीना हो गया इतना, अभी आधा बॉटल पानी पी लिया मैंने, और अभी निकलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी ढूंढना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ जाना है, यहीं मतलब रास्ते में पूछ लेंगे किसी से किधर इधर फेमस या ऑथेंटिक कुछ है क्या इधर खाने के लिए। चलो अभी मिलते हैं डायरेक्ट होटल पे। भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला राणे कॉर्नर्स, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा है खाने का सब, टेस्ट कैसा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये बहुत फेमस है ये एरिया का, करजत एरिया का, तो चलो जाके खाते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट। लेट्स गो। कार यहाँ पे पार्क कर दिए और अभी बोले हैं मिसल पाव और एक वड़ा पाव। वड़ा पाव तो आ गया, ये मैं खाऊंगा मिसल के साथ। ये आ गया मिसल भी,
लो टूट पड़ते, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मस्त है यार, मस्त है, मीडियम स्पाइसी है बट सही है। चाय भी आ गया अपना और इतना टेम्पटिंग है ना, एक मिक्स भजी भी मंगा है और एक फ्रेश टाइम सोडा भी मंगा है। चाय के बाद फ्रेश टाइम सोडा, ये कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ट्राई करते हैं कैसा लगता है। अरे बाप रे, खतरनाक क्वांटिटी में आ गया, कौन इतना फिनिश करेगा अभी। चलो देखते हैं जितना जितना खाते हैं, बाती का बांध के लेके आते घर पे, बहुत है। ये आ गया अपना लास्ट ऑर्डर, फ्रेश टाइम सोडा, तो ये पीते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ना कूपन सिस्टम है, तो हर एक ऑर्डर के लिए आपको वापस इधर लाइन में जाना पड़ता है, कूपन लेना पड़ता है। इसलिए मैंने मेरा हर तीन ऑर्डर, मतलब पहले वड़ा पाव गया, मिसल पाव गया, उसका एक अलग टेबल पे बैठा था, फिर चाय लिया उसके लिए अलग से टेबल पे बैठा, और अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा अलग टेबल, तो तीन अलग अलग टेबल पे बैठा है मैं। बड़ी बहुत अच्छा है, सही है भाई। हो गया खाना आके, इतना ज़्यादा खा लिया अभी। चलो यहाँ से निकलते हैं सीधी सीधा भी घर। डिसेंट था होटल, मतलब इतना बुरा नहीं था। और मैं यहाँ पे पूछा कि सबसे मतलब अच्छा कौन सा है होटल, तो सब लोग ने यही बताया। और मैंने भी देखा, ऑब्जर्व किया कि इधर बहुत सारा होटल्स है छोटे छोटे, बट सबसे ज़्यादा गर्दी यही होटल में था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और यही होटल पे ही खाना खाया। इतना गर्मी हो रहा है ना, आराम से तुम चिल करके रखा है गाड़ी को और ड्राइव कर रहे, क्योंकि इतना अनबेरेबल हीट है ना अभी। यहाँ पे देखो इधर एक फिल्म स्टूडियो भी है, गजब गजब। Yes, ये मेरा सबसे फेवरेट हाईवे, मुंबई बेंगलुरु हाईवे, सबसे बेस्ट। इतना मक्खन है ना इधर का रोड, इसमें ड्राइव करने के जो फन है ना वो किसमें भी नहीं है। ये आ गया अपना आज के दिन का लास्ट टोल, वाशी का, और इधर अपना लाइफ का 15 मिनट वेस्ट करने का तो मैंडेटरी है। चलो घर पहुंच गए, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी था, इतना गर्मी था घर पे आते ही लींबू पानी पी लिया। चलो दिस इज़ हर साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग विद मी।